सीसीटीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये लोग हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ पर प्रदर्शन का आयोजन किया है। ये हल्ला बोल है यूथ कांग्रेस का और सीएम हाउस का घेराव करने की रणनीति, बेरोजगारी, घोटाले और तमाम मुद्दों पर। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पानी की बौछारें इन कार्यकर्ताओं पर फेंकी जा रही है ताकि वो आगे ना बढ़े। बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल की तरह आती है। 6 एडिशनल जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया, उन्हें ड्यूटी लगाई गई है। अलग अलग पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो यूथ कांग्रेस का ये हल्ला बोल और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र ने इस बात का दावा किया था कि करीब 20 से 25 हजार युवा यहाँ पर जुटेंगे क्योंकि सभी को नौकरी चाहिए और बेरोजगारी का आलम यह है। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वासु, तस्वीरें बता रही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, क्या आप देख पा रहे हैं जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए यूथ कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो झड़प की निकल कर सामने आने लगी हुई है। कारण भी जो है वो प्रदर्शनकारी की उम्र करा दिया है। बड़ी बात है कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंहवाल वो पूरे प्रोटेस्ट में शुरू शामिल हो जाए हैं और इसके साथ ही जो तमाम बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह हो, ये तमाम जो नेता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीर जो है वो भोपाल के रोहतक पड़ा चौराहे से आप दिख रहे हैं और ये जो कांग्रेस के प्रदर्शनकारी है ये प्रोटेस्ट करते हुए हैं। सीएम हाउस की तरफ कूद करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो जबरदस्त यहाँ पर प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा यहाँ पर है सर, प्रोटेस्ट की और वाटर कैन कर रहे हैं। न्याय यात्रा जो हम कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2.5 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ बिल्कुल ये देख सकती हैं अपर्णा। ये तस्वीरें जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो पूरा प्रदर्शन है वो यहाँ पर इस वक्त जारी है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको रोकने की, उनको खदेड़ने की जो कोशिश है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पे की जा रही है और भरपूर संघर्ष जो है वो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस कर्मी जो है आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। वाटर कैनन का यहाँ पे इस्तेमाल पुलिस कर रही है, पुलिस के हाथ में लाठियां भी हैं और आंसू गैस के गोले भी हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि अगर जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं मानेंगे, वो अगर नहीं मानते हैं तो आंसू गैस और लाठी चार्ज भी यहाँ पर किया जा सकता है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग किसी भी कीमत पर सीएम हाउस तक जाएंगे और जो पत्र क्या हुआ तेरा वादा अभियान के तहत पूरे प्रदेश से जो पत्र इकट्ठे किए गए थे उन पत्रों को लेकर जाएंगे और सीएम को सौंपेंगे क्योंकि मौजूदा जो सरकार है उसने वादा खिलाफी की है। ऐसा कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई से जनता त्रस्त है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस का ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। कांग्रेसियों को रोकने करीब 1000 पुलिस बल जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है और आप ये संघर्ष की तस्वीरें आप देख सकते हैं। खदेड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल
और वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ ही पुलिस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पीछे पूरी जो झड़प की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है और कई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स पे जूझते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे नजर आएंगे। पुलिस की ओर से समझाइश देने की कोशिश, पुलिस ने ये कहा कि आपका ये पूरा जो धरना प्रदर्शन है, ये जो पूरा आंदोलन है, इसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि हम जनता की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जनता की न्याय की लड़ाई जो है वो इसी तरह संघर्ष करते हुए जारी रहने वाली है। तो आप यहाँ देखेंगे तस्वीरों में और हरदा के तस्वीरों में ये दिख रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने जोश में भरे हुए हैं और जहां जहां कांग्रेस प्रदर्शन का आह्वान कर रही है खास तौर पर युवा नेताओं में, युवा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह, संघर्ष करने को लेकर एक अलग ही जज्बा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट कॉल था उसमें बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तमाम यहां चाहे पानी की बौछारें हो, आंसू गैस के गोले हो, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं का डटे रहना दिखा रहा है वासु कि युवा किस कदर जोश में है। आप बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर यह कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, बड़ा प्रोटेस्ट है कांग्रेस का और किसी भी तरह कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी ये कोशिश है कि बैरिकेड्स को लांगा जाए और बैरिकेड्स को लांग कर सीएम हाउस की तरफ जाना जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं अपना करीब 12 लेयर की बैरिकेटिंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए करीब 12 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो इस वक्त यहाँ पे की गई है। और लगातार अब मैं आपको एक बड़ा अपडेट ये भी है कि यहाँ पे आंसू गैस के गोले चला दिए गए हैं। आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चलाए गए हैं और आंसू गैस के गोले जब चलाए जाते हैं तो काफी दिक्कत यहाँ पे होती है। बिल्कुल आपको ध्यान रखिए आप अपना और अपने कैमरे पर्सन का भी, कहीं साइड में आप खड़े हो जाए जहाँ पर आप बता भी पाए, कवर भी कर पाए और इस प्रभाव से बच भी जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़ते ही यहाँ तितर बितर हो गए हैं कार्यकर्ता, भीड़ छटने लगी है। और तमाम तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी वासु चौरे और उनके साथ में है वीडियो जर्नलिस्ट, वो वहां पर डटे हुए हैं। देखिए आंसू गैस का गोला यहाँ पर छोड़ा गया, ये देखिए ये टीयर गैस बाहर निकलते हुए। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अभी फिलहाल वो तितर बितर हो गए हैं और ये तस्वीरें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो अपना यहाँ पर चलाए गए हैं। और ऐसे प्रदर्शन में, ऐसे प्रोटेस्ट में इस तरीके की जो चीजें हैं वो आम बात है, लेकिन इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश है वो थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और आह्वान यही किया गया है कि कुछ भी हो जाए जनता की आवाज उठानी है और बैरिकेड्स को लांघने का काम जो है वो यहाँ पर करना है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर पुलिस भी जद्दोजहद करती हुई कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रही है और कार्यकर्ता जो मौजूद है पुलिस के साथ जूझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हम लोग बैरिकेड तक गए भी नहीं थे, उसके पहले ही आंसू गैस चला दिया गया, उसके पहले ही यहाँ पर जो वाटर कैनन थे वो यहाँ पे चला दिए गए। और इस तरीके की मितेंद्र सिंह मेरे साथ है, मितेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है। बात की है, हम तो न्याय की बात करने आ रहे हैं, न्याय की बात करने जब हम यहाँ पे आए हैं
तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो वहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट जो करते वाले लोग हैं, जो युवा हैं, जो नौकरी मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं, उन्हें सतर्कता करने का काम क्यों किया जा रहा है, ये तमाम बातें जो है वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से कही जा रही है। और अगर मैं बता दूँ आपको कि चारों तरफ जो आपको ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार एक के बाद एक दागे गए हैं। पुलिस ने बहुत जल्दी पूरे प्रदेश को कंट्रोल करने की कोशिश की और यही वजह है कि लगातार जो गोले दागने का काम है वो पुलिस की ओर से यहाँ पे किया गया है। और इस पूरे प्रोटेस्ट में जो भीड़ है उसको बहुत हद तक तरबतर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कोशिश अभी भी इस बात की कर रहे हैं कि जैसे जैसे बैरिकेड बढ़ते रहा जाए तो इस प्रोटेस्ट का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं भेजने में कामयाबी जो है उन्हें मिल सके। तो ये पूरा जो बड़ा प्रोटेस्ट है कांग्रेस का वो अभी और ये हम तस्वीरें लगातार भोपाल से दिखा रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की। क्या हुआ तेरा वादा, इसको लेकर सरकार को सरकार पर हमलावर है कांग्रेस और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र ने कहा था कि 20 से 25 हजार की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। बेरोजगारी और इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, चाहे वो महिला के सम्मान का मुद्दा हो या युवाओं की नौकरी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार ने जो दावे किए थे उन दावों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि दावे तो किए गए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा प्रदर्शन बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाला, महिला सम्मान, अलग अलग मुद्दों को लेकर इस प्रदर्शन को बुलाया था कांग्रेस ने। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा भी हुए हैं और पुलिस फोर्स को भी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर लगाया गया। पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं, बैरिकेड्स अलग अलग पॉइंट्स पर लगाए गए हैं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। और यहां आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की भी हुई है कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच। बैरिकेड्स पर जब चढ़ने की कोशिश यहां पर की जा रही थी उसी वक्त पानी की बौछारें फेंकने का काम जो आप ये तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कि बीबी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे साथ थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें बलपूर्वक रोका गया, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए और युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और ये दूसरी तरफ ये मितेंद्र सिंह यहाँ पर इस वक्त हैं और जीतू पटवारी यहाँ पर, जीतू पटवारी को चोट आई है, जीतू पटवारी के सिर से खून निकल रहा है। चोट आई आप खून के आखिरी कतरे तक दलितों की लड़ाई लड़ी आई, आरक्षण की लड़ाई लड़ी आई, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ी आई, जातिगत संघटना की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो यहाँ पे शामिल हुए थे और उन्हें चोट आई है, उनके सिर से खून निकलता हुआ वहां पर दिखाई दिया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये जो पूरा प्रोटेस्ट कैसे देखते हैं, इसे जो पुलिस ने वाटर कैनन चलाए? भैया, इस प्रोटेस्ट से एक चीज साफ है कि मोहन यादव जी जब जब डरते हैं तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पुलिस को आगे करते हैं और आज इस बात से स्पष्ट हो गया है। फिर से युवाओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया, कई लोग खून से लथपथ हो गए, कई लोग घायल हैं। यहाँ पर ये अपने मध्य प्रदेश के युवा हैं, ये वही वोटर हैं जिनसे आप वोट मांगते रहे कुछ समय पहले, आज आप उनके ऊपर लाठी गैस, आंसू गैस और क्या क्या नहीं करवा रहे, तो निश्चित ही इससे दिख रहा है कि वो अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बचा